हेलो एवरीवन, भाई क्या हाल चाल बच्चों। वेलकम बैक टू द नीट 2020 जूलॉजी क्वेश्चन एनालिसिस। लास्ट वीडियो में बेटा 10 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। 47 टोटल क्वेश्चंस आए हैं इस बार नीट 2020 में जूलॉजी से। सो ये है हमारा 11th क्वेश्चन। E4 कोड है बेटा, 66th क्वेश्चन है E4 कोड के हिसाब से। सो क्वेश्चन देखिए, बीटी कॉटन वेराइटी दैट हैज़ डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्रेंजेनेसिस इज रेजिस्टेंट टू। अब यहाँ पर आंसर होगा बेटा इंसेक्ट पेस्ट। एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ नहीं है ये, हालांकि कंक्लूसिव है और काफ़ी ऑब्वियस है इसका आंसर। तो ये जो तीन जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट है। ओके, सो आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन E4 कोड के हिसाब से। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यानी कि मतलब अगर आप एनसीईआरटी के इस लाइन को देखो कि लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेट करता है, तो मतलब आंसर वन हो गया, ठीक है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बाकी भी अगर आप देख लो तो आंसर वन ही है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होंगे, बेसोफिल्स हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, और जो ईजनोफिल हैं वो एंटी एलर्जिक होंगे, यानी कि हिस्टामिनेज हिस्टामाइन को ब्रेक करेंगे। ओके, सो आंसर वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 69th क्वेश्चन E4 कोड का। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब यहाँ पर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये दोनों में फ्लिपर्स प्रेजेंट हैं स्विमिंग के लिए, सो कॉमन हैबिट हो गई बेटा, ठीक है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे हम, ठीक है, आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 70th क्वेश्चन है E4 कोड का। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भाई ECO-R1 का पूछा है। सो बेटा इसको हम कहते हैं लड्डू क्वेश्चन, ठीक है, GAATTC है ये, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट है 71st क्वेश्चन। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है, स्टैंडर्ड ECG में क्या रिप्रेजेंट करता है। सो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। यानी QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन को, ठीक है। यहाँ पर एक हल्का सा एक बढ़िया पॉइंट आता है कि डीपोलराइजेशन के बाद, जस्ट बाद, इमिजिएटली बाद होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, सो ये बहुत ही सटल तरीके का क्वेश्चन है कि QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करेगा, डीपोलराइजेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता और डीपोलराइजेशन भी ये वाला ऑप्शन दिया होता, तो डीपोलराइजेशन आंसर होता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th क्वेश्चन। ये भी मैच द फॉलोइंग का है और एनसीईआरटी का ये पेज देख लीजिए आप। फिर ग्रिगेरियस वर्ड आते ही लोकस्टा हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही लोकस्टा हुआ ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी भी अगर आप देख लो कि एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री किस में होगी बेटा, इकाइनोडर्म्स में, स्टारफिश, नेक्स्ट बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, बायोल्यूमिनेसेंस, टीनोफोरा। तो मतलब इसमें कोई एक फीचर भी आपको अच्छे से पता है, एक दो फीचर, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड इसका। नेक्स्ट है बेटा 76th क्वेश्चन, और यहाँ पर मैच द कॉलम अगेन है। देखो फ्रेमिंग जो है मैच द कॉलम की इस बार बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। सो फ्लोटिंग रिब्स को अगर आप देखो तो ये मैच करता है डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम से, बिकॉज इसीलिए तो फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं उसको, ठीक है। एक्रोमियोन क्लेविकल से कनेक्ट करता है, ठीक है, एक्रोमियोन स्कैपुला का पोर्शन है, और ग्लेनॉइड कैविटी भी स्कैपुला का पोर्शन है जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है। सो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो थर्ड वाला ऑप्शन देख लो, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नो, कौन से बॉन्ड्स होते हैं, डाईसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आंसर इसका तो थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, और इसमें आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। सो थर्ड ऑप्शन देखो अगर, तो हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नहीं, क्योंकि अगर एल्वियोली में हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हुई तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन होगा, और ब्लड में भी हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हायर होने की वजह से बोहर्स इफेक्ट होता है, हार्डन इफेक्ट नहीं। तो हार्डन इफेक्ट नहीं होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर कहा हुआ है कि बनेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, और इसलिए आंसर सही है, यानी कि थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट है बेटा 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम।
यानी कि ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अब आपको पता है कि ईस्ट्रोजन का जो रिलीज है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज में या प्रोलीफरेटिव फेज जिसको हम बोलते हैं उसमें होगा, ठीक है, थेका इंटरना ऑफ सेकेंडरी ओसाइट से। और ये ईस्ट्रोजन बिल्डअप होता है ब्लड में और पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को, तब एलएच सर्ज होगा और तब ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। सो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इसका आंसर हो गया। सो यहाँ पर हमने कवर कर लिए 10 मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में 10 मोर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और चाहिए आपको कमेंट में मुझे लिख के बता दो। सो थैंक यू, वर्क हार्ड स्मार्टली।